हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मैथमेटिकल टूल्स की। ओके, मैथमेटिकल टूल्स ये पार्ट होता है फिजिक्स का जिसमें हम लोग बेसिक मैथ्स के वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं जो हम लोगों को अगले 2 साल तक काम में आएंगे। ठीक है, इसका एक पार्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, विच वॉज बाइनोमियल थ्योरम एंड बाइनोमियल एक्सपांशन। आज हम लोग इसके आगे का पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, विच इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग फर्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट वन। ओके, सो पार्ट वन वाले पार्ट में हम लोग इस लेक्चर में काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस पढ़ेंगे जो कि आपने शायद 9th-10th स्टैंडर्ड में क्लियर किए। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंगल की। ठीक है, एंगल यानी क्या था? दो रेज के बीच में जो फिजिकल क्वांटिटी मेजर होती है उसको हम लोग एंगल कहते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको पता था, ये 9th-10th में पढ़ा है हम लोगों ने। अब यहां पे याद क्या रखना है जो हमको अपने 11th-12th में काम में आने वाला है, वो है कि व्हाट इज एसआई यूनिट एंड व्हाट इज अदर यूनिट। अदर यूनिट के बजाय तुम इसको प्रैक्टिकल यूनिट भी कह सकते हो। एसआई यूनिट जो है वो है इसका रेडियन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आरएडी। प्रैक्टिकल यूनिट या अदर यूनिट जो हम लोगों ने बहुत बार यूज किया है वो है डिग्री, जिसको तुम ऐसे सिंबल से डिनोट करते हो। ये तुमने पढ़ता है, आज तक तुमने डिग्री में ही पढ़ा एंगल्स, है ना। अब एसआई यूनिट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी, उसमें एंगल का जो एसआई यूनिट था दैट वॉज रेडियन। क्लियर, ये तो तुमको पता होगा। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं हम लोग, डिग्रीज का जो तुमको याद रखना है। तो जो एक डिग्री होता है इट कंसिस्ट ऑफ 60 मिनट्स, वो जो डैश है, डैश का मतलब जो होता है वो होता है मिनट्स, इसका मतलब है मिनट्स, याद रखना। जैसे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है ना, छोटे छोटे अलग अलग यूनिट्स होते हैं, तो 1 डिग्री यानी 60 मिनट्स और 1 मिनट होते हैं 60 सेकेंड्स, डबल डैश यानी होता है सेकेंड्स, याद रखो। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये नोट डाउन कर लो आपके रजिस्टर्स में, नोट डाउन करो 1 डिग्री यानी 60 मिनट्स और 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स। क्लियर है यहां तक? अब जैसे 1 डिग्री है, 1 डिग्री के बाद में आएगा 1 डिग्री 1 मिनट, फिर आएगा 1 डिग्री 2 मिनट्स, ऐसा कब तक चलेगा? 1 डिग्री 59 मिनट्स तक। कहां तक चलेगा? 59 मिनट्स तक। उसके बाद में 1 डिग्री 60 मिनट्स नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली 2 डिग्रीज लिखेंगे। ओके, समझाया यहां तक? वापस से 2 डिग्रीज, 2 डिग्रीज के बाद में आएगा 2 डिग्रीज 1 मिनट, उसके बाद में आएगा 2 डिग्रीज 2 मिनट, और ये कब तक कंटिन्यू होगा? 2 डिग्रीज 59 मिनट्स तक। फिर 2 डिग्रीज 59 मिनट्स के बाद में क्या आएगा? क्या आएगा? 3 डिग्रीज एंड सो ऑन, ऐसा कंटिन्यू होगा। तो ये ऐसा लिख के रख लो, इस ये लिखने के बाद में ऐसा लिख के रखो, है ना, तुमको क्लियर होगा अगले बार से। ठीक है, अब इसमें और एक चीज याद रखने लायक, जब 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर है तो 6 मिनट्स किसके बराबर रहेगा? 0.1 डिग्री। कैसे? इसको 10 से डिवाइड किया अपन ने, तो इसको भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 60 मिनट्स को 10 से डिवाइड किया तो 6 मिनट्स आता है, 1 डिग्री को 10 से डिवाइड किया तो 0.1 डिग्री आएगा। ठीक है, तो इसके लिए याद रखना, ये सभी आज जो मैं टेस्ट लूंगा उसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्जांपल, व्हिच इज 1 डिग्री 6 मिनट्स इज इक्वल टू 1.1 डिग्रीज। धन्यवाद, क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ?
क्योंकि 6 मिनट्स यानी 0.1 होता है, तो 1 डिग्री 6 मिनट्स यानी 1 डिग्री प्लस 0.1 डिग्री यानी 1.1 डिग्री, 2 डिग्री 6 मिनट्स यानी 2.1 डिग्री, 30 डिग्री 6 मिनट्स इज इक्वल टू 30.1 डिग्री। एग्जाम्पल ध्यान में आए, बहुत आसान है, सिर्फ आपको समझना है, और मेरा सजेशन है साथ ही साथ लिखते भी चलो, यानी तुमको ध्यान में आएगा। ओके, अब तुमको किसी ने पूछा 1 डिग्री 36 मिनट यानी कितना, ओके अब 6 मिनट्स, तो इसको अपन लिखेंगे 1 डिग्री प्लस 6 मिनट यानी 0.1 डिग्री होता है, 6 मिनट्स यानी 0.1 डिग्री, तो 36 मिनट्स यानी कितना रहेगा 0.6 डिग्री, तो तुम क्या लिखोगे यहां पे 0.6 डिग्री यानी 1.6 डिग्री। यहां पे एक टेबल बना लो, 0.1 डिग्री इज इक्वल टू 6 मिनट्स, 0.2 डिग्री इज इक्वल टू 12 मिनट्स, 0.3 डिग्री इज इक्वल टू 18 मिनट्स, 0.4 डिग्री इज इक्वल टू 24 मिनट्स, 0.5 डिग्री इज इक्वल टू 30 मिनट्स, फिर क्या लिखेंगे अपन 0.6 डिग्री इज इक्वल टू 36 मिनट्स, 0.7 डिग्री इज इक्वल टू 42 मिनट्स, 0.8 डिग्री इज इक्वल टू 48 मिनट्स, 0.9 डिग्री इज इक्वल टू 54 मिनट्स एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ये तो याद भी लिखा है, समझ गए, ध्यान में आए, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आज टेस्ट में क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान में रखना, क्लियर। ओके, अब यहां पर अब तुमको बोला 10 डिग्री 54 मिनट्स यानी कितना, तो क्या लिखेंगे हम लोग 10 डिग्री प्लस 54 मिनट्स यानी 0.9 डिग्री यानी कितना हो गया 10.9 डिग्री, कितना हुआ है 10.9 डिग्री, समझ गया। फिर बाद में 54 डिग्री 36 नहीं लेते हम लोग, दूसरा नंबर लेते 24 मिनट्स। ओके, तो कितना आएगा ये 54 डिग्री प्लस 24 मिनट्स यानी कितना होता है 0.4 डिग्री, यानी आंसर आएगा 54.4 डिग्री, ध्यान में आ गया। तो ये था सबके सब किसके बारे में, डिग्रीज के बारे में, क्लियर हुआ। ओके, तो ये सब नोट डाउन करना है अच्छे से। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू रेडियन पॉइंट, रेडियन, रेडियन ये एंगल का दूसरा यूनिट है, जैसे एंगल आज तक तुमने मेजर किया डिग्रीज में, अब हम लोग सीखेंगे कि एंगल को रेडियन में कैसा गिना जाता है। जैसे लेंथ को किस में गिनते हैं, मीटर में, लेंथ को किस में गिनते हैं, सेंटीमीटर में, इन दोनों में रिलेशन होता है, हाँ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, दोनों में रिलेशन होता है, क्योंकि दोनों किसके यूनिट है, दोनों लेंथ के यूनिट है। वैसे ही डिग्री किसका यूनिट है, एंगल का, रेडियन किसका यूनिट है, एंगल का, इसका मतलब ये दोनों में रिलेशन होना चाहिए। वो रिलेशन क्या है, 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, बस ये याद रखना है, अगले 1.5 साल तक तुम्हारे, सॉरी 2 साल तक, 1.5-2 साल जितना भी साल है, ये याद रखना है, क्या याद रखना है, 180 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। अब इसके लिए एक टेबल बनाना है, ओके, यहां लिखेंगे रेडियन, टेबल कैसा लिखना है देखो, कैसा बनाओगे देखो, डिग्री रेडियन,
सबसे पहला 0 डिग्री, वहां आएगा 0 रेडियन, ठीक है। फिर आएगा 30 डिग्री। अब यहां पे 180 का अपने को 30 करना है। 180 को 30 में कैसे कन्वर्ट करते? 180 को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 6 से, तो वो 30 में कन्वर्ट होगा। तो पाई को भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 6 से, तो ये आ जाएगा पाई बाय 6 रेडियन। आया ध्यान में? तो 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन। फिर आता है 45 डिग्री। 45 डिग्री 180 को 4 से डिवाइड करना पड़ता है, तो 45 मिलता है। तो ये कितना आ जाएगा? पाई बाय 4 रेडियन। फिर बाद में 60 डिग्री, पाई बाय 3 रेडियन। 90 डिग्री, पाई बाय 2 रेडियन, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट 120 डिग्री पे। 60 का डबल होता है ना 120, तो इसका भी डबल कर दो। पाई बाय 3 का डबल कितना आएगा? 2 पाई बाय 3 रेडियन, समझा? 120 डिग्री। फिर 135 डिग्री, 135 डिग्री 45 का 3 टाइम्स है, तो फिर 45 यानी इसका भी 3 टाइम्स करेंगे। ये एरोज मत बनाओ, तू ये बनाने की जरूरत नहीं है, टेबल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 पाई बाय 4 रेडियन आ जाएगा। फिर 150 डिग्री, 150 30 का 5 टाइम्स है, तो इसका 5 टाइम्स करेंगे। 30 के सामने 5 पाई बाय 6 है, तो 5 पाई बाय 6 रेडियन, ठीक है। और लास्ट में 180 डिग्री, ये तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं यहां पे। 180 डिग्री यानी पाई रेडियन, ठीक है। यहां तो क्लियर हुआ, ये टेबल बनाना है। अब होमवर्क है तुम्हारे लिए कुछ एंगल्स होमवर्क, और ये होमवर्क में से क्वेश्चन आएंगे आज के टेस्ट में, विच इज आगे का एंगल है 210 डिग्री पहला, दूसरा 225 डिग्री, तीसरा 240 डिग्री, चौथा 270 डिग्री, पांचवा 300 डिग्री, छठवा 330 डिग्री, सॉरी छठवा 315 डिग्री, सातवां 330 डिग्री और आठवां 360 डिग्री। ये 8 आपके लिए होमवर्क है, ओके। बात सब में एक ही कॉमन है, वो है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये याद रखना, ठीक है। इसको जिसको याद है वो ये निकाल सकता। एक एग्जांपल मैं बता देता हूं, अगर तुमको याद ही समझना है तो कैसे, देखो कैसे करना। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, कितने का निकालना है? 210 डिग्री के लिए निकालना है, तो 180 के नीचे 210 लिखो और यहां पे x लिखो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? x इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 210 डिग्री इंटू पाई, देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 नीचे चला गया, 210 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, 0 0 कैंसिल हो गया, 3 6 3 7, तो आंसर कितना आया? 7 पाई बाय 6 रेडियन। किसका आंसर 7 पाई बाय 6 रेडियन आया? 210। बस टेबल में लिखते जाना, सॉल्व करते जाना, टेबल में लिखते जाना, तो आपका टेबल बनेगा 0 से लेके तो 360 डिग्री तक पूरे आंसर्स आपके टेबल में होना चाहिए। और ये टेबल को बना के अच्छे से अपने स्टडी टेबल के सामने आज चिपका दो, क्योंकि ये 2 साल तक बहुत काम में आने वाले। सवेरे शाम, सुबह दोपहर शाम, जैसे तुमको कभी कभी डॉक्टर कैसे गोली लिख के देते हैं सवेरे दोपहर शाम, वैसे सुबह दोपहर शाम तुमको ये टेबल को एक बार तुम्हें पढ़ना है। यानी कुछ दिन बाद अगर मैंने बोला व्हाट इज
300 डिग्रीज, तो तुम्हारे मुंह से फटाक से आंसर आ जाना चाहिए जो भी आंसर है। ओके कितना आंसर आएगा उसका, पाई बाय सिक्स, टेन इंटू पाई बाय सिक्स विच इज फाइव पाई बाय थ्री, फाइव पाई बाय थ्री आएगा उसका आंसर। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। ट्रिग्नोमेट्री का ये लेक्चर अच्छे से देखो। ओके कुछ नहीं समझ में आया वापस देखो इसको, फिर भी नहीं ध्यान में आता है तो मैसेज मी, चैट ऑप्शन में मुझे लिख के भेजो, आई जस्ट क्लियर योर डाउट्स। और आज शाम में टेस्ट में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछूंगा मैं। ठीक है, सो क्लियर विद दिस। तो आज आपको ये टेबल भी याद रखना है, ये वाला टेबल भी याद रखना है, ये और ये कन्वर्जन भी याद रखना है। मैं इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछूंगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछूंगा मैं। ओके ध्यान में रखना है सबको, ये क्वेश्चन और वो वाले क्वेश्चन। ठीक, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे।